नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में एक ऐसा गांव भी है जहां दशहरे के दिन रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि उसका पूजन किया जाता है। यह गांव लुधियाना जिले के पायल कस्बे में है। यह गांव रावण को नायक मानता है। करीब 189 साल पहले से इस गांव में रावण की पूजा की परंपरा शुरू हुई जो आज भी जारी है। दशहरे के दिन रावण की शराब की बोतल और बकरे के खून से पूजा की जाती है। रावण पूजा की आस्था पुत्र जन्म से जुड़ी हुई है। वहीं एक बार जब कुछ शरारती लोगों ने रावण की मूर्ति को तोड़ दी तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे दोबारा लगाया गया। दुबे परिवार के सदस्य अनिल दुबे ने बताया कि उनके पूर्वज हकीम बिरबल दास को दो विवाह के बाद भी औलाद सुख नहीं मिला, जिस वजह से वह संन्यास लेकर चले गए। वहां एक संत ने उन्हें रामलीला कराने और गृहस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी। लौटकर दशहरे वाले दिन उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसके पीछे वह रावण का आशीर्वाद मानते थे। दुबे बताते हैं कि जिस तरह उनके पूर्वज के चार बेटे हुए उसी तरह महात्मा रावण के आशीर्वाद से उनके भी चार बेटे हैं। दुबे कहते हैं लोग यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो दशहरे के दिन यहाँ शराब की बोतल चढ़ाते हैं। अनिल दुबे ने कहा कि उनके परिवार के सदस्य पठानकोट, चंडीगढ़, भोपाल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से दशहरे वाले दिन यहाँ जरूर पहुँचते हैं कि वह खुद भी चार भाई हैं। चारों भाइयों का जन्म दशहरे वाले दिन चार चार साल के अंतराल में हुआ था। वहीं अब जो उनके चारों बेटे हैं उनका जन्म भी दशहरे वाले ही दिन हुआ है। इसकी वजह कहीं ना कहीं महात्मा रावण पर उनकी आस्था है। दुबे के मुताबिक जिस किसी के संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें एक बार जरूर महात्मा रावण का आशीर्वाद लेना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।